ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਨੈਚਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 33 ਫੁੱਟਾ ਰੋਡ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਨ ਜੋ ਕਿ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਜੇ ਬਾਗ ਕਹਾਂ ਰਹਤੇ ਹੋ ਕੌਨ ਸੀ ਕਲੋਨੀ ਮੇਂ ਰਹਤੇ ਹੋ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਲ ਇਹ ਅਭੀ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ मैं मेडिसिन लेने गई थी मार्केट तो वहाँ से आ रही थी फिर फ्रूट वाले शॉप पे गई वहाँ से आ रही थी तो मैं यहाँ पहुँची अचानक से पीछे कोई आया तो मैंने सोचा कोई गर्दन काट के गया मेरी लेकिन वो कोई खरोश भी आया चैन मेरा ले गई कितने ग्राम की थी 14-15 ग्राम की थी तो आपने पीछा किया मैं पीछे मुड़ी तो वो भाग गया दूसरे लड़के के साथ बाइक पे बाइक पे कितने लड़के थे बस ये एक और एक था बाइक पे दो लड़के थे तो फरार हो गए मौके फरार हो गए तो अभी जैसे आपसे वारदात हुई है कॉलोनी के अंदर रहते हो हाँ क्या आप सेफ हो कॉलोनी जैसे अभी लगे हैं कैमरे लगे हैं उसमें कहीं ना कहीं आए हैं मेरे को नहीं लग रहा है सेफ है घर में आके वो ले गए चैन वारदात हो रही है ये तो घर की गली है घर बिल्कुल गेट के साथ तो आगे बाहर से आया बंदा हाँ कॉलोनी से बाहर आकर हमला किया अंदर आकर और क्या इस घटना तो बाद उथे रह रहे लोगों चो भी सहम का माहौल वेखन मिलिया सर एक वारदात हुई है क्या नाम है आपके जो वारदात हुई है मेरा नाम वारदात हुई है और क्या लेकर गए जी मेरा नाम उमेश कुमार है ये हमारी आदर्श कॉलोनी है जो 33 फुटा रोड पर पड़ती है जो कि चंडीगढ़ रोड पे है कुछ सुबह 11:15 की बात है दो लड़के हालांकि हमारी कॉलोनी पूरी गेटेड है तीनों तरफ से बंद है कॉलोनी और देखो चोरों की क्या हिम्मत है कि दो लड़के ये एक हमारी एक महिला है जो इसी रेजिडेंट हैं यहाँ की आदर्श कॉलोनी की उनका पीछा करते हुए आए और बेचारी जब अकेली अंदर जो बंद गली थी उसके अंदर चेन खींच के एक बाइक से पीछे लड़का फॉलो करता हुआ आके चेन खींच के ले गया तो इसके कैमरे आपके इधर लगे हुए हाँ जी कैमरे भी लगे हुए हैं जी और फुटेज भी आई है और हमने फुटेज पुलिस को भी दी है और उनके पुलिस वाले आए भी थे वो लेके गए हैं लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो कितनी इनसिक्योरिटी बढ़ गई है हालांकि कि बंद कॉलोनियों में भी लोग आ रहे हैं वारदातें हो रही हैं और मैं लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि लोग भी सतर्क रहें और पुलिस प्रशासन को भी कि वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें अदरवाइज दिन दिहाड़े 11:15 बजे की बात है और लोग कहाँ जाएँगे फिर इतनी ज़्यादा कानून व्यवस्था जो ख़राब होती जा रही है दिन में ही चोरियाँ होने लगी हैं तो लोग तो कहीं नहीं जा सकते हैं जैसे अभी गर्मियों का मौसम है कई अगर सेल परचेज करने वाले आते हैं क्या कोई मैसेज देना चाहती हैं हाँ इस समय बेसिकली जो ये कोरोना काल है इसमें काफ़ी लोग बढ़ भी गए हैं और सब्जी वाले हैं जब बाकी रेडी फेडी वाले उनकी गिनती भी बहुत बढ़ गई है लेकिन जो इनका आना जाना भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए शायद इस पर भी मार्किंग होनी चाहिए पुलिस को ध्यान रखना चाहिए कि इनका रेगुलर विजिट थोड़ा सा कम हो और इनकी पहचान हो अदरवाइज इन्हीं के भेष में आते हैं और ये वैसी वारदातें करके चले जाते हैं और जैसे पुलिस के लिए बाद में छोड़ देते हैं इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं हाँ बेसिकली जो मैं तो डेली अखबार न्यूज़ पर पढ़ता हूँ और ख़बरें तो देखते हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं चेन स्नैचिंग होती है और कोई खास FIR भी दर्ज भी बहुत कम ही करते हैं और ऐसे पकड़े भी नहीं जाते मिलते भी नहीं है वैसे भी आज का भी जो माहौल है हमने पूरी कोशिश की है पूरे पुलिस के साथ मिलकर पूरा फुटेज दिया है और हम पूरा कोशिश करेंगे कि उन चोरों को पकड़वाया जाए और इन्हें न्याय मिला ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰ ਇੱਕ ਚੈਨੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਲੋਨੀ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਆ 33 ਫੁੱਟਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ ਵਿਜੇ ਭੱਟ ਜੋ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੀ ਚੈਨੀ ਤੋੜੀ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਆ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਲਈ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਨੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਤੋਲੇ ਦੀ
ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ